हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे दोस्तों का क्वेश्चन है कि हम पार्टीशन कैसे बनाएं, एक्स्ट्रा पार्टीशन। हाँ फ्रेंड्स, आप पार्टीशन जानते हैं, पार्टीशन क्या है? पार्टीशन वही चीज़ होता है, हार्ड डिस्क का एक पार्ट होता है। जैसे मेरा वह आपका घर में, किसी के घर में एक पार्ट रहता है, बेडरूम या किचन रूम, उसके बाद आपका ड्राइंग रूम, जो भी हो, मतलब उस चीज़ को पार्टीशन बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पार्टीशन कैसे बनाते हैं, तो बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं है पार्टीशन कैसे बनता है। तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि पार्टीशन कैसे बनाते हैं, और बहुत इजी तरीक़े से। तो चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहले आपको क्या करना है, कंप्यूटर में जाना है, डेस्कटॉप का कंप्यूटर में जाना है, उसको राइट क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली चला जाना है मैनेज में। ठीक है, मैनेज में जाके यस करना है। तो मेरा पापा विंडोज़ ओपन हो रहा है, थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है मेरे फ्रेंड्स। मेरा कंप्यूटर में और भी थोड़ा काम चल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजाम करने पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैं, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, सही टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे मैं नया नया वीडियो अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे, जो एकदम फ्री में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया फ्रेंड्स, उन लोगों को बहुत धन्यवाद, और साथ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, और एक बात कहना चाहूँगी आपसे कि वीडियो स्किप करके मत देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर स्किप करेंगे तो आपका बहुत सारा ऐसे सेटिंग, क्या कर रहे हैं वीडियो में, क्या दिखाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हो, आप जान नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम मैनेजमेंट कंप्यूटर मैनेजमेंट किए, पहले क्या किया हम, राइट क्लिक करके कंप्यूटर मैनेजमेंट जाके हम इसमें एक नया विंडोज पॉपअप हुआ आया सामने। तो ये देखिए आपका ये डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्क मैनेजमेंट, ये देखिए डिस्क मैनेजमेंट। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लोडिंग हो रहा है। देखिए लोडिंग, डिस्क द कॉन्फिगरेशन है। ये देखिए मेरा हार्ड डिस्क का पार्टीशन, फिलहाल मेरा हार्ड डिस्क बहुत कम है, 250 GB है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, आपका मेरा हार्ड डिस्क का स्पेस। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए मेरा पास CDE सिस्टम रिसीव। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हार्ड डिस्क नीचे भी है, देखिए सिस्टम 1 2 3 CDE, ये होता है हार्ड डिस्क मतलब पार्टीशन। आप जैसे देखिए, दोनों का बीच एक तो गैप है, ये दोनों का बीच एक तो गैप है, एक दोनों का बीच गैप है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब यही होता है, जैसे हम लोग घर में पिलर देते हैं, उसके बाद एक किचन रूम से बेडरूम में जाते हैं, तो बीच में एक दीवार लगता है, वो दीवार उठाने में जितना स्पेस लगता है वो वेस्टेज हो जाता है। उसी हिसाब से यहाँ पे भी होता है फ्रेंड्स, कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर नया पार्टीशन क्रिएट करना है, देखिए कोई भी ड्राइव से आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, CDE उसको क्रिएट कर सके। देखिए मेरा यहाँ पे ई, मैं ई ड्राइव को आपका नया पार्टीशन करके दूंगा। मेरा ई ड्राइव है 80 GB। ठीक है, और फ्री है 72 GB। ठीक है, तो मैं इसको जाके पहले इसमें जाते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद देखिए सिंक वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं ई ड्राइव में, आप डी ड्राइव में भी कर सकते हैं, जो ड्राइव में करना चाहते हैं उस ड्राइव में कर सकते हैं। तो मैं ई ड्राइव में राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद सिंक वॉल्यूम। ठीक है, सिंक वॉल्यूम जाने के बाद ये क्या दिखा रहा है, करके वॉल्यूम फॉर अवेलेबल थिंग स्पेस प्लीज वेट, ये देखिए आपका आ गया। तो मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा है 73,948। इसका मतलब 73,000 क्या होता है फ्रेंड्स, 73 आपको पता, जीबी का पता है, जीबी का मतलब कैलकुलेशन। अगर नहीं पता है तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स। तो मैं इसके लिए, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे पूरा का पूरा आपको डिटेल समझाऊंगा कि ये GB और EB, ये बेटा KB क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल यहाँ पर देखिए ये है 73, मतलब ये पूरा 80 GB का है। तो इसको क्या करेंगे, हम काट के 10,000 कर देंगे, 1 2 3 4 10,000। 10,000 का मतलब क्या होता है, 1024 MB होता है 1 GB। क्या बोले फ्रेंड्स, 1024 MB होता है 1 GB। 10,000 का मतलब आपका 10 GB होगा। ठीक है, इसमें सिंक कर दिए।
ये देखिए फ्रेंड्स, सिंक करने के बाद ही एक और नया 10 GB का जगह में 9.77 GB है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये देखिए ई से एफ तक जाने के लिए आपको एक दीवार का जरूरत था, एक पार्टीशन का, वो दीवार थोड़ा सा खाली है स्पेस, जिसका वजह से 10 GB का जगह आपको 9.77 GB आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे सी था, डी था, ई अभी इसका हो गया, इसका नाम भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आप न्यू सिंपल वॉल्यूम सिंह वॉल्यूम, आप वेलकम टू न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड न्यू, इसका क्या नाम देंगे आप, देखिए 9.9 है तो इसको नेक्स्ट कर दिए, इसका क्या दें, जी ई एफ जी। ठीक है चलिए जी दे देते हैं। एन टी एफ एस आपका पता है फ्रेंड्स, एन टी एफ एस का शॉर्ट फुल फॉर्म होता है न्यू टाइप फाइल सिस्टम। न्यू टाइप फाइल सिस्टम ये नया न्यू जनरेशन का है फ्रेंड्स। इसको भी अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ा रहिए, इसका भी वीडियो मैं जल्दी बनाऊँगा आपको दिखाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। यस, थोड़ा सा वेट कीजिए फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग हो रहा है। यह देखिए एक एक करके कलर पकड़ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। मेरा दूसरा काम चल रहा है कंप्यूटर में, इसलिए थोड़ा सा स्लो है। यह देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, डी ई एफ जी, ये देखिए न्यू वॉल्यूम सिस्टम जी, ये आ गया न्यू वॉल्यूम सिस्टम जी। ई था, एफ देना था, मैं चलिए दिखाने के लिए जी दे दिया, इसका आ गया। तो ये पूरा का पूरा हेल्दी फ्री है, इसका देखिए इतना है, इसका इतना फ्री अभी यूज़ नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लिए कितना आसानी से मतलब एक पार्टीशन आप बना सकते हैं, वो भी आपको कोई झमेला के लिए, मतलब पकड़ लीजिए आपको सी डी ई में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक अलग सा पार्टीशन एक्स्ट्रा पार्टीशन बनाना चाहते हैं जिसमें आप अपना पर्सनल चीज़ रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको पार्टीशन बना के आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो इतना था कि, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आप कुछ सीख पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़ा रहिए और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।